अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस आप लोगों ने पिछले लेक्चर पढ़ा है? यस सर एक मिनट बस। पहले हम अटेंडेंस लेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास। ओके सर ओके सर। चलें शुरू करते हैं अटेंडेंस। अब्दुल रहमान इरफान, अब्दुल रहमान इरफान, अक्षर रोबिन, प्रेजेंट। आदिल रियाज, अफीफा सज्जाद, आई आर, प्रेजेंट इमान अली, सर। एमन अली सर प्रेजेंट। सॉरी एमन अली, ठीक है, एमन नसीर, प्रेजेंट आयजा हाशमी, प्रेजेंट सर। आयजा राशिद, प्रेजेंट सर। अमीरा इरफान, प्रेजेंट सर। आमना फरूक, प्रेजेंट आमना असलम, सर। अना मसलम प्रेजेंट। हाँ सॉरी आना असलम, अनिला नासिर, प्रेजेंट सर। अकदस इकबाल, प्रेजेंट सर। अक्सा जवेद, प्रेजेंट सर। अक्सा मुकद्दस, प्रेजेंट सर। अक्सा मुश्ताक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट अरीबा आसिम, अरीबा जमील खान, अरीबा जाहिद, अरीज आसिफ, अरीज प्रेजेंट सर। रबानी, अरुषा सैयद, प्रेजेंट सर। अथरूबा असलम, प्रेजेंट सर। अतिया अशरफ, प्रेजेंट ऑन अहमद सिद्दीकी, सर। आयशा हसन, प्रेजेंट सर। आयशा जमशेद, आयशा मुगल, प्रेजेंट सर। आयशा रिजवान, प्रेजेंट सर। आयशा सुमैया, प्रेजेंट सर। असका तारिक, बशेर अशरफ, बीनेश इसहाक, ईमान तोकीर, प्रेजेंट सर। ईशा, इशा तेरजिया, ईमान अनवर, प्रेजेंट सर। ईशा मुबारक, प्रेजेंट सर। फरीहा फातिमा, प्रेजेंट सर। फसीहा जाहिद, प्रेजेंट सर। फातिमा इफ्तखार, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। बेटा प्रोक्सियान लगाओ, मुझे पता चल जाएगा अगर बच्चे काम हो गए एंड पे। फातिमा इफ्तखार प्रेजेंट। अच्छा, फातिमा कासिम, फिजा नवीद, गुलशन सलीम, हबीबा फजल, हाफिजा लाइबा तुकीर, प्रेजेंट सर। हाजरा तारिक, हिना प्रेजेंट सर। बास, प्रेजेंट सर। हिना अरशद, प्रेजेंट सर। हिरा महबूब, प्रेजेंट सर। हिरा तबस्सुम, प्रेजेंट सर। हुमा एजाज, प्रेजेंट सर। हुमैरा सईद, प्रेजेंट सर। हुमायूं इकबाल, प्रेजेंट सर। इफ्जाय त्रेस, प्रेजेंट सर। इकरास कर, प्रेजेंट सर। इकरा नजीब, इकरा कासिम, इकरा रफीक, प्रेजेंट। इकरा रियाज,
रीज आमिर प्रेजेंट ईशा सनावला प्रेजेंट सर इस्मा प्रेजेंट सर जजाल मास प्रेजेंट सर खतीजा साजिद प्रेजेंट खतीजा अकबर प्रेजेंट खतीजा शकील खतीजा जफर खिजरा अशरफ प्रेजेंट सर किंजा गुल कुनैन फातिमा प्रेजेंट सर लाइबा सरफराज लाइबा जिया प्रेजेंट मानूर आसिफ प्रेजेंट माहद महबूद कुरैशी प्रेजेंट सर महीन शुएब प्रेजेंट सर महानूर खान प्रेजेंट महानूर तारिक प्रेजेंट माहरुख ताहिर प्रेजेंट मायरा अफजल मुनाहिल कामरान मुनाहिल काशिफ प्रेजेंट मारिया मंशा प्रेजेंट मरियम राशिद मरियम सैफ प्रेजेंट सर मरियम इम्तियाज मसूमा जहरा महक जहां प्रेजेंट सर मुबीन तनवीर प्रेजेंट सर मोमिना आसिफ प्रेजेंट सर मोहम्मद हसन सरवर प्रेजेंट सर मोहम्मद जैन रजा प्रेजेंट सर मुनज़्ज़ा ज़हीर नाबिया ताहिर प्रेजेंट सर नवीर कमर प्रेजेंट सर बेटा अपना माइक ऑन कर लें जिसकी अटेंडेंस है बस वही बोले नेहा प्रेजेंट सर निमरा प्रेजेंट सर निमरा नकवी प्रेजेंट निमरा शहजाद प्रेजेंट सर नूर फातिमा 36 मतलब आपके जो रोल नंबर के एंड पे आएगा 36 नूर फातिमा एंड पे आएगा उनके प्रेजेंट सर 17 प्रेजेंट सर 017 ठीक है और नूर फातिमा 102 प्रेजेंट सर 102 कैसर जहान प्रेजेंट सर राजिया नईम अख्तर प्रेजेंट राबिया अली राबिया हबीब राबिया लियाकत प्रेजेंट सर राबिया सलमान प्रेजेंट रफिया नास राव मुइज़ुर रहमान सर राफिया नास प्रेजेंट रवान नदीम खान प्रेजेंट रहमान तारिक रिदा ज़ैनब प्रेजेंट रिजवानुल हक प्रेजेंट रुबिया इमरान रुकैया अकबर सदफ इलियास प्रेजेंट कौन प्रेजेंट है राबिया अली सर मैं कब से बोल रही हूँ मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दे आपका नाम सर खदीजा जफर अटेंडेंस मार्क कर दे आप लेट आई हैं ना ये जो बच्चे लेट आए हैं उनकी मार्क नहीं होगी सर मेरी कैसे सादिया आदिल प्रेजेंट सर सादिया आदिल सर प्रेजेंट सादिया बदर पराचा प्रेजेंट सर प्रेजेंट सैफा जफर प्रेजेंट सर मैं बस में सायरा में हूँ जिसकी वजह से सिग्नल समीरा प्रेजेंट सर बेटा अभी टेनिस के दरमियान डिस्टर्ब ना करें पहले मुझे टेनिस ले लेने दे फिर आपकी बात सुन लेता हूँ मैं समीरा प्रेजेंट सर
सना शहजादी प्रेजेंट सर सारा सारा अली प्रेजेंट सारा रियाज प्रेजेंट सर सवेरा फरूक प्रेजेंट सर शहला इकबाल प्रेजेंट सर सिद्रा अब्बास प्रेजेंट सर सिद्रा ताहिर प्रेजेंट सर सितारा वकार प्रेजेंट सर सोबिया मंसूर प्रेजेंट सर सोहा आमिर सुलवासगर सुमेरा नवाज प्रेजेंट सर सैयदा घनवा बुखारी प्रेजेंट सर सर सोहा आमिर सैयदा सैयदा नूरुल ऐन प्रेजेंट सैयदा ज़ुखरुफ अजीज प्रेजेंट तंजील फातिमा प्रेजेंट सर आपकी पता नहीं क्यों लग नहीं रही अटेंडेंस तहरीन खालिद प्रेजेंट सर तूबा साबिर प्रेजेंट सर उशना नसार यस सर उशना नसार प्रेजेंट सर विशा ताहिर प्रेजेंट वर्दा फातिमा वर्दा मुस्तकीम प्रेजेंट सर जाहिद हुसैन यस सर जाहिरा जैन अली अब्बास यस सर जैन इफ्तिखार यस सर जैनब इमरान प्रेजेंट सर जैनब सलीम प्रेजेंट सर जरमीन ताहिर प्रेजेंट सर ठीक है अब बताएं किन बच्चों की रहेगी अटेंडेंस सर आयशा जन सर मेरी रहेगी सर मेरी रहेगी सर मेरी रहेगी अब्दुल रहमान पहले पहले अब्दुल रहमान बेटा मेरी बात सुन ले आज जो बच्चे लेट हैं उनकी मैं आखिरी दफा अटेंडेंस लगा रहा हूँ अगली दफा अगर आप लेट हैं या आपके नेट का इशू है आप मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ना आपके बाद में अटेंडेंस लगेगी आपकी एब्सेंट ही लगेगी सो बी ऑन टाइम एंड इंश्योर प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन अब्दुल रहमान इरफान आप प्रेजेंट हैं हाँ जी सर प्रेजेंट और बोले अल्फाबेटिकली बात कर रहे हैं ठीक है सर अफीफा अरीज आसिफ या रिया आसिफ ऑलरेडी प्रेजेंट है अरीज अपना नाम बोलिएगा सर अफीफा अरीबा साहिद सर अफीफा भी सर ईशा भी अस्का तारिक भी लग गई है सर गणेश आयशा जमशेद सर ईसी ईशा आयशा जमशेद सर गणेश सर अफीफा भी सर आदिल रियाज सर बिनिश सर अफीफा भी ईशा प्रेजेंट है यस सर सर बिनिश इसहाक बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है सबको सर जी सर सर अफीफा भी लगा दें मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की भी सर हमें आ रही है हेलो सर जी आवाज आ रही है आपको हेलो सर बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है यस सर यस सर पर को नहीं आ रही हमारी सर हमें आपकी आ रही है हेलो सर जी हेलो बेटा मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही मेरी तो आ रही है सर जी सर आपके कनेक्शन का लगता है इशू हो गया सर नूर फातिमा मैं एक मिनट मीटिंग रीस्टार्ट कर रहा हूं सर रीस्टार्ट करें कंप्यूटर ठीक है
सर का हॉटस्पॉट बंद हो गया। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। चलिए अपनी जल्दी से अटेंडेंस पूरी करवाएं फिर आगे लेक्चर शुरू करते हैं। अरिबा सर बिनेश हक बेटा मैं सबका नाम बोलूंगा और आपने बता देना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। अफीफा सजाद प्रेजेंट है? यस सर प्रेजेंट। अरिबा जमील खान, अदीज रबानी? यस सर। इशातिर रजिया? यस सर। बेनिश इसहाक? यस सर। जी प्रेजेंट सर। फातिमा कासिम? फिजा नवीद? गुलशन सलीम? प्रेजेंट सर। हबीबा अफजल? प्रेजेंट सर। प्रणजीब? इकरा कासिम? इकरा रियाज? खतीजा शकील? खतीजा जफर? किंजा गुल? किंजा गुल प्रेजेंट है? यस सर। सर खतीजा जफर प्रेजेंट है, वो असली में बस में ट्रैवल कर रही है तो उनका नेट का प्रॉब्लम। ठीक है मैंने इनको लगा दिया है। और लाइबा सरफराज? मायरा अफजल इज प्रेजेंट। मुनाहिल कामरान? मरियम राशिद? मरियम इम्तियाज? मासूमा जाहरा? रुकैया अकबर? सारा? सोहा आमिर? प्रेजेंट सर। आप मेरी स्किप कर गए हैं सर। आपका नाम क्या है? नूर फातिमा 136 रोल नंबर एंड पे। बेटा अभी मैंने आपका नाम बोला था सर, मुझे आई नहीं आपकी आवाज। सुलवास कर सर प्रेजेंट। जाहरा? आप स्किप। वर्दा फातिमा भी प्रेजेंट हो गई है। सब मेरी रह गई है। एक्सक्यूज मी सर। और किसकी रह गई है? सब मेरी रह गई। मैंने एड्रेस अपना नाम तो बोले बेटा। रहमान तारिक? रहमान तारिक जी। जल्दी नहीं आएगा रिमान आप? सर मुझे शोर्ट करते हैं कि मेरी लग गई है। आदिल रियाज? हाँ आपकी लग गई है। ठीक सर। सोहा आमिर? बेटा आधा घंटा हो गया आपकी अटेंडेंस का मसला नहीं खत्म हो रहा। अगली दफा अगर आप टाइम पे आएंगे तो आपकी लग जाएगी। अगली अगर आप माइक इशू था फिर भी अगर आपके एब्सेंट लग गया तो एब्सेंट ही रहेगी। पिछला लेक्चर पढ़ के आए हैं आप लोग? यस सर। यस सर। क्या पढ़ा था?
याद है किसी को? हम लोगों ने पढ़े थे स्टेफिलोकोकस और स्टेफिलोकोकस ऑरिस और बैक्टीरियास के नाम पढ़े थे, ग्राम पॉजिटिव कोकाइस पढ़े थे। ये आपका लेक्चर नंबर कौन सा आपको पता है? यस सर। हाँ, और मैंने आपसे पूछ रहा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? सर स्टेफिलोकोकस, सर हमने लास्ट लेक्चर में ग्राम कोकाइस का पढ़ा था। बोले बेटा किंजा, आप बोले। स्टेफलोकोकस ओरियस पढ़ा था हमने जी। स्टेफलोकोकस ओरियस के क्या होते हैं आइडेंटिफिकेशन फीचर्स? सर इसके आइडेंटिफिकेशन फीचर ये होते हैं सर, ये ग्लूकोज फर्मेंटर्स होते हैं, ये सॉर्बिटॉल को फर्मेंट करते हैं और ये इसका ऑक्सीडेशन नेगेटिव होता है और ये गोल्डन कलर देते हैं एग्रीगेट पे जब हम इसको करते हैं। और उसके अलावा आपको याद है कि ब्लड एगर पे ये कैसे हेमोलिसिस प्रोड्यूस कर रहा था? ठीक है, बीटा हेमोलिसिस, कंप्लीट हेमोलिसिस, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा मुझे बताएं कि ये कैटलिस्ट कैसा टेस्ट, इसमें कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव था या नेगेटिव था? कोगुलेंट टेस्ट पॉजिटिव था या नेगेटिव था? पॉजिटिव था। अच्छा और कैटलिस्ट टेस्ट क्या होता है? तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की विघटन करते हैं। अच्छा ठीक है, और कोगुलेंट टेस्ट क्या होता है? जी क्लॉट प्रोड्यूस करता है, जिसे प्रोडक्ट करता है हमारी ये फाइब्रिन क्लॉट प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, क्लॉट प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया फ्रॉम। ठीक है, आज हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हमारा छोटा सा है, पहले हम पढ़ेंगे कि स्टेफिलोकोकस को आप कौन से मीडिया पे कल्चर कर सकते हैं और फिर हम स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टेफिलोकोकस एप्रोफिटिकस को कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो बेसिकली हमारे पास मीडिया के दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होता है नॉन सेलेक्टिव मीडिया और एक होता है हमारे पास सेलेक्टिव मीडिया। ये आपको मैं जनरली बता रहा हूँ मीडिया के दो टाइप्स होती हैं। नॉन ग्रो कर सकते हैं, एट द सेम टाइम ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप उन मीडिया पे डिफरेंट बैक्टीरियाज को कल्चर करने के लिए यूज कर सकते हैं, उन्हें भी कहते हैं नॉन सेलेक्टिव मीडिया। और एक होते हैं हमारे पास सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया हमारे पास वो मीडिया होते हैं जिस पर हमारे पास कोई एक खास बैक्टीरिया ही ग्रो कर सकता है, बाकी बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास MSA एगर है या मैनिटोल सॉल्ट एगर है तो उसके ऊपर सिर्फ स्टेफोरियस ग्रो करेगा। अगर हमारे पास थेर मार्टिन सेलेक्टिव मीडियम है तो उसके ऊपर सिर्फ नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस ही ग्रो करेंगे, उसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। तो ऐसे मीडिया जो एक खास बैक्टीरिया की ग्रोथ को अलाउ करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेलेक्टिव मीडिया। और नॉन सेलेक्टिव मीडिया वो होते हैं जिनके ऊपर डिफरेंट बैक्टीरियाज हम कल्चर कर सकते हैं। दे कैन बी ग्रैम पॉजिटिव कोकाई और ग्रैम नेगेटिव कोकाई, दे कैन ईदर बी ग्रैम पॉजिटिव रॉड और ग्रैम नेगेटिव रॉड। तो स्टेफोरियस के लिए हम कौन से नॉन सेलेक्टिव मीडिया यूज कर सकते हैं? स्टेफोरियस के लिए हम यूज कर सकते हैं न्यूट्रिएंट एगर, ब्लड एगर और मैकोंकी एगर। आपने इन तीनों का नाम याद रखना है। और नॉन सेलेक्टिव मीडिया स्टेफोरियस के लिए कौन सा है, सॉरी सेलेक्टिव मीडिया स्टेफोरियस के लिए कौन सा है, वो है MSA एगर या फिर मैनिटोल सॉल्ट एगर। ठीक है, न्यूट्रिएंट एगर पे इसकी कॉलोनीज कैसी होंगी? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टेफिलोकोकस एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं स्टेफिलोक्सैंथिन, आई थिंक यस स्टेफिलोक्सैंथिन, ठीक है। उस पिगमेंट का कलर बेसिकली गोल्डन येलो होता है। तो जब आप स्टेफिलोकोकस को न्यूट्रिएंट एगर पे कल्चर करेंगे तो ये गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा, इस तरह से ये हमें नजर आएगा अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद अगर हम इसे ब्लड एगर पे कल्चर करते हैं तो ब्लड एगर पे ये प्रोड्यूस करेगा बीटा हेमोलिसिस। बीटा हेमोलिसिस हमारे पास होती है कंप्लीट हेमोलिसिस, मतलब कि जहाँ पर स्टेफिलोकोकस का, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया पड़ा हो, यहाँ पे बैक्टीरिया का एक ग्रुप पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी सराउंडिंग में कम्प्लीट हेमोलिसिस है, तो इसे हम कहते हैं बीटा हेमोलिसिस।
तो अगर हम इसे ब्लड लेकर स्टेफोरियस को कल्चर करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा बीटा हेमोलिसिस। अगर हम स्टेफोरियस को न्यूट्रिएंट एगर पे कल्चर करते हैं तो वहां पर प्रोड्यूस करेगा वो गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज। और अगर हम मैनिटोल सॉल्ट एगर पे ग्रो करते हैं तो मैनिटोल सॉल्ट एगर पे सिर्फ और सिर्फ स्टेफोरियस ग्रो करता है, उसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। और अगर स्टेफोरियस ग्रो करेगा तो वो फिर से गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। बेटा यहाँ तक सबको समझ आई है कि नॉन सेलेक्टिव मीडिया में न्यूट्रिएंट एगर, ब्लड एगर और मैनिटोल सॉल्ट एगर पे स्टेफोरियस की अपीयरेंस कैसी होगी? सर मैनिटोल सॉल्ट एगर दोबारा बता दें प्लीज। मैनिटोल सॉल्ट एगर पे स्टेफोरियस की फिर से गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज होंगी। और मैनिटोल सॉल्ट एगर इधर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा आज मैं पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी में भी नेट का मसला आ रहा है, इसलिए मुझे पहले वो बंद करनी पड़ी थी। अभी सबको आवाज ठीक आ रही है? यस सर। सर ठीक आवाज आ रही थी। ठीक है या कंटिन्यू करें? सर आप पढ़ाई ठीक आ रही है? एक्सक्यूज मी सर, मैम सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सॉरी बेटा डिस्टरबेंस के लिए, आज पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी में नेट का मसला। सर फिर कट गई आपकी आवाज। अच्छा कहाँ तक आपने लेक्चर सुना था? मैनिटोल सॉल्ट। ठीक है मैनिटोल सर फिर लाओ तक ग्रोथ हो। फिर चली आवाज सर ब्रेक हो रही है ना, आती है जाती है। बेटा फिर आज की क्लास में सोच रहा हूँ पोस्टपोन कर देते हैं, अगले लेक्चर में हम लेक्चर 3 और लेक्चर 4 दोनों चीजें कवर करेंगे। जी सर। बर्डन तो नहीं हो जाएगा? नहीं सर करा दें। आ रही है आप इसी लेक्चर में? हॉटस्पॉट ऑन कर दें सर, रिकॉर्डिंग सेंड कर दें दूसरे सेक्शन वालों की। बेटा मैं तो आज पढ़ाना चाहता हूं लेकिन नेट का बार बार मसला आ रहा है। रिकॉर्डिंग सेंड कर दें हॉटस्पॉट ले लें। कौन से रिकॉर्डिंग? बेटा बात सुने एक मिनट, कौन से सेक्शन की रिकॉर्डिंग सेंड करूं? जिनको बेटा पिछले लेक्चर्स की तो मेरे पास, सॉरी पिछले सेमेस्टर्स की तो मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग नहीं है। सर अब YouTube पे चैनल बना लिया है, वहां पे अपलोड कर दें। सर अब आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप पढ़ा दें छोटा सा लेक्चर। बेटा मेरी बात सुने, छोटा सा लेक्चर है और दूसरी बात ये कि इसमें हम सारी चीजें वही डिस्कस कर रहे हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में। चले आगे चलते हैं कि अब हम देखते हैं कि कैटालेस टेस्ट क्या होता है। आपको मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप स्टेफ और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी अब हो रही है? ठीक है ठीक है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैटालेस टेस्ट क्या होता है। कैटालेस टेस्ट ये होता है कि जब आप किसी भी कैटालेस पॉजिटिव बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे और उस बैक्टीरिया के ऊपर फिर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करेंगे तो उस बैक्टीरिया का कैटालेस एंजाइम उस हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक डाउन करेगा वाटर में और ऑक्सीजन में, और फिर ऑक्सीजन की वजह से वहां पे बबलिंग क्रिएट होगी विच विल गिव अस अ पॉजिटिव रिएक्शन।
ठीक है, ये हमने एक बैक्टीरिया कल्चर की है, उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन पाइरोक्साइड ऐड की है। यहाँ पे आपको बबलिंग नजर आ रही है, यहाँ पे आपको बबलिंग नजर नहीं आ रही, यहाँ पे बबलिंग नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन पाइरोक्साइड से, मतलब कि कैटलेस एंजाइम हाइड्रोजन पाइरोक्साइड को ब्रेक कर रहा है। तो दिस इज द कैटलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड दिस इज अ कैटलेस नेगेटिव बैक्टीरिया। और स्टेफ ओरियस हमारे पास जितने भी आए, स्टेफिलोकोकस ओरियस हो, स्टेफ एपिडर्माइटिस हो या स्टेफ सेप्रोफिटिकस हो, वो तीनों हमारे पास कैटलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ये एक और स्लाइड है जो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा रहा है कैटलिस्ट पॉजिटिव किस तरह का होगा और कैटलिस्ट नेगेटिव किस तरह का होगा। देखिए हमने इस स्लाइड में जब हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड की है तो यहाँ पर बबलिंग क्रिएट हो गई है, तो ये हमारे पास कैटलिस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और हमें पता है कि कैटलिस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफ एपिडर्माइटिस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस। और ये तो कैटलेस नेगेटिव हमारे पास कौन से थे, जितने भी स्ट्रेप्टोकोकस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जितने भी हैं वो सारे कैटलेस नेगेटिव हैं। और स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को हम डिफ्रेंशिएटी कैटलेस की बेस पे करते हैं। कोगलेस टेस्ट, जैसा कि पहले एक बच्चे ने बताया कि स्टेफलोकोकस ऑरियस एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन क्लॉट्स बनाता है, तो उन क्लॉट्स के बेस पे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि वो बैक्टीरिया कौन सा है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया कौन सा है। देखिए इस स्लाइड में क्लॉट प्रोड्यूस हो रहा है फाइब्रिन का, तो मतलब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कोगलेस पॉजिटिव है। और अभी तक हमने सिर्फ एक ही बैक्टीरिया पढ़ा जो कोगलेस पॉजिटिव है, वो स्टेफ ओरियस है। सो दैट मीन दिस इज स्टेफ ओरियस। और यहाँ पर कोई भी क्लॉट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं क्लियर सॉल्यूशन है, तो ये हमारे पास कोगलेस नेगेटिव बैक्टीरिया है। और कोगलेस का फंक्शन क्या है, कोगलेस बेसिकली फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन क्लॉट्स बनाता है। फाइब्रिनोजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजन ब्लड के सर आवाज नहीं आ रही आपकी, 2G करके 4G कर। सर डेटा चला। हेलो सर, तो लीप कर गए। आवाज आ रही थी? नो सर। अब भाई पहले पहले बिल्कुल भी नहीं आवाज सर, नहीं पहले आवाज कहाँ पे सर, आप चैट बॉक्स में अलाउ कर दें ताकि हम साथ साथ बताते रहें कि कब आपकी आवाज आ रही है और कब नहीं। चैट बॉक्स आई हैव नो आईडिया कहाँ से अलाउ करने हैं सर, यहाँ मोर में सेटिंग होगी उधर जाके। डिसेबल वीडियो रिसीविंग, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सेटिंग कर दो इस चीज। सही सर, हम आपको वैसे ही नोट करके बता देंगे कि आ रही है कि नहीं आ रही। कैसे करके बताएंगे आप? हम आपको वैसे ही अनम्यूट करके बता देंगे माइक ऑन करके कि हमें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा लेक्चर कहाँ तक सुना था आपने? ठीक है बेटा, जितने भी कोगलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो कोगलेस एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, कोगलेस एंजाइम फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन क्लॉट बनाएगा, और जब फाइब्रिन क्लॉट बनाएगा कोगलेस पॉजिटिव है या नहीं। फाइब्रिनोजन क्या होता है, फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ब्लड में प्रेजेंट होती है।
ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने स्टैफोरियस को स्टैफोरियस की कॉलोनी को प्लेस किया है, ठीक है, उसके ऊपर प्लाज्मा डाला है। जब प्लाज्मा डालेंगे स्टैफोरियस की कॉलोनी के ऊपर, तो स्टैफोरियस तो हमारे पास कोगुलेशन एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तो फिर प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट होगी उसे वो फाइब्रिन क्लॉट बनाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं कोगुलेशन पॉजिटिव टेस्ट है, और यहाँ पर स्टैफोरियस नहीं है, मतलब कोई कोगुलेशन नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसलिए यहाँ पर क्लॉट नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास कोगुलेशन नेगेटिव है, ये कोगुलेशन पॉजिटिव है। ये स्लाइड भी हमारे पास सेम चीज दिखा रही है, कोगुलेशन पॉजिटिव टेस्ट कैसा होगा और कोगुलेशन नेगेटिव टेस्ट कैसा होगा, सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब स्टैफोरियस इज अ रिलेटिवली हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, इट कैन इन ऑल्सो टॉलरेट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड ड्राई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज एबल टू परसिस्ट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, कि स्टैफोरियस स्किन पे कैसे ज़्यादा देर तक परसिस्ट कर सकता है, पिछले लेक्चर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैफोरियस हीट रेजिस्टेंट है और स्टैफोरियस का जो टॉक्सिन है वो भी हीट रेजिस्टेंट है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैफोरियस मैनिटोल सॉल्ट अगर भी ग्रो कर सकता है, सॉल्ट को ईजिली टॉलरेट कर सकता है, इसलिए ये इन्वायरमेंट में रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइटिस की। मेरा स्टैफिलोकोकस ऑरियस के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कैटलेस पॉजिटिव है, कोगुलेस पॉजिटिव है, बीटा हेमोलिटिक है, उसके अलावा मैनिटोल सॉल्ट एगर पे ग्रो करेगा और गोल्डन येलो कॉलोनीज हैं। स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइटिस के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये कैटलेस पॉजिटिव है। बेटा सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो ठीक है, स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइटिस के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये कैटलेस पॉजिटिव है, कोआगुलेस नेगेटिव है, ये अल्फा हेमोलिटिक है, और ये नोवोबायोसिन विच इज एन एंटीबायोटिक वो सेंसिटिव है और बायोफिल्म प्रोड्यूसर है। पांच चीज़ें आपने याद रखनी है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कैटलेस पॉजिटिव है, कोआगुलेस नेगेटिव है, अल्फा हेमोलिटिक है, नोवोबायोसिन सेंसिटिव है और बायोफिल्म प्रोड्यूसर है। सही है, कहीं लिखा हुआ नहीं है ये स्लाइड्स में ना, आगे कहीं ना डिस्पर्स्ड फॉर्म में है। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे ना, या मैंने ही पूछना है वाईवे में, और मैं बाकी मैंने पिछले सेमेस्टर में काफी सारे बच्चों से पूछा है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको फिर एंड पे मसला ना हो, आपको चीजें ढूंढनी ना पड़े। रिपीट करते हैं, हम लिख लेते हैं। हाँ हाँ लिख लें, कैटलेज पॉजिटिव है, कोआगुलेस नेगेटिव है, अल्फा हेमोलिटिक है, नोवोबायोसिन एक एंटीबायोटिक है वो सेंसिटिव है और बायोफिल्म प्रोड्यूसर है। ये पांचों चीजें आगे स्लाइड में आएंगी, लेकिन डिस्पर्स्ड फॉर्म में मैंने आपको इकट्ठी बताई हैं। नोवोबायोसिन इज एन एंटीबायोटिक और नोवोबायोसिन सेंसिटिव है। सर अल्फा के बारे में बताएं। लिख लिया बेटा सबने? सर अल्फा के बाद दो, अल्फा के बाद नोवामाइसिन है एंटीबायोटिक एंड सेंसिटिव। हाँ, और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है बायोफिल्म प्रोड्यूसर है। सर नोवामाइसिन बायोफिल्म प्रोड्यूसर है या वो अलग पॉइंट है? बेटा नोवामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, वो सेंसिटिव है, वो अलग पॉइंट है नोवामाइसिनेट्स, और दूसरा वो है जो बायोफिल्म प्रोड्यूसर है वो एक सेपरेट पॉइंट है। पांच पॉइंट्स बताए मैंने आपको, पहला पॉइंट कैटलेज पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट है कैटलेज कोआगुलेज नेगेटिव, तीसरा पॉइंट है कि वो नोवोबायोसिन सेंसिटिव है, चौथा पॉइंट है कि वो बायोफिल्म प्रोड्यूसर है, और पांचवा पॉइंट है कि वो अल्फा हेमोलिटिक है। सर क्वेश्चन भी बता दें इसका। क्वेश्चन इसका है कि स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइटिस के आइडेंटिफिकेशन फीचर। ओके सर। अच्छा, अब आपको कैटलेज और कोआगुलेज ऑलरेडी पता है, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अब आपको मैं हेमोलिसिस दिखा देता हूँ।
बेटा देखिए हेमोलिसिस की तीन टाइप्स होती हैं, एक होती है अल्फा हेमोलिसिस, एक होती है बीटा हेमोलिसिस, एक होती है गामा हेमोलिसिस। आपको ये स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, बीटा हेमोलिसिस होती है कंप्लीट हेमोलिसिस, मतलब कि उसमें जहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उसकी सराउंडिंग में कंप्लीट हेमोलिसिस होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखें यहाँ जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है वहाँ पे कंप्लीट हेमोलिसिस है और एक क्लियर जोन है, इसे हम कहते हैं बीटा हेमोलिसिस। अल्फा हेमोलिसिस होती है पार्शियल हेमोलिसिस। पार्शियल हेमोलिसिस का मतलब क्या है कि वहाँ पर हेमोलिसिस कंप्लीट नहीं होगी, वहाँ पर क्लियर जोन नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर इस तरह का ग्रेनिश कलर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं अल्फा हेमोलिसिस। और गामा हेमोलिसिस का मतलब है कि नो हेमोलिसिस एट ऑल। सबको समझ आई इन चीजें, इन तीन पॉइंट्स की, अल्फा हेमोलिसिस क्या है, बीटा हेमोलिसिस क्या है और गामा हेमोलिसिस क्या है। यस सर। एक ये स्लाइड देख लें, ये स्लाइड देख लें, यहाँ पर बीटा हेमोलिसिस बैक्टीरिया को कल्चर किया है तो वहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हेमोलिसिस आ रही है और क्लियर जोन आ रहा है। यहाँ पर पार्शियल हेमोलिसिस आ रही है और ग्रीनिश कलर आ रहा है, और जो गामा हेमोलिसिस है उसमें नो हेमोलिसिस है, तो उसमें हेमोलिसिस हमारे पास आ ही नहीं रही, सिर्फ बैक्टीरिया का कल्चर आ रहा है। तो जो हमारे पास स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस है वो हमारे पास अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब एक नोवोबायसिन, नोवोबायसिन एक एंटीबायोटिक है, तो ये बैक्टीरिया नोवोबायसिन ससेप्टेबल या फिर सेंसिटिव है, मतलब कि नोवोबायसिन से इस बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। और पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया जो स्टेफ एपिडर्माइडस है ये बायोफिल्म प्रोड्यूस करता है। बायोफिल्म अलाउज स्टेफ एपिडर्माइडस टू अटैच टू फॉरन सर्फेसिस, जिसकी वजह से स्टेफ एपिडर्माइडस अगर पेशेंट में कैथेटर या फिर अगर पेशेंट में प्रोस्टेटिक हार्ट वॉल्व्स हो या फिर आर्टिफिशियल जॉइंट रिप्लेसमेंट हो तो वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मतलब कि जहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ होगी ना, वहाँ पर बायोफिल्म के थ्रू ये बैक्टीरिया अटैच हो सकता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसके हार्ट वॉल्व्स का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसमें ये बैक्टीरिया आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व पे जाकर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, या फिर कोई आर्टिफिशियल जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई है तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, या फिर अगर पेशेंट को कोई कैथेटर पास किया हुआ है, फॉर एग्जांपल फॉरिस कैथेटर पास किया है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, यूटीआई कॉज कर सकता है, या फिर अगर सीवीपी पास किया तो वहाँ से इन्फेक्शन कॉज करके सेप्सिस कॉज कर सकता है। बेसिकली द पॉइंट इज के स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस की इन्फेक्शन तब होगी जब भी कोई आर्टिफिशियल सरफेस होगी ह्यूमन बॉडी पे और उसके साथ बैक्टीरिया अटैच होगा थ्रू बायोफिल्म। सबको इस पॉइंट की समझ आई है? यस सर। जी सर। चलिए आप स्लाइड्स पढ़ते हैं। स्टेफ एपिडर्माइडस इन्फेक्शन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज हॉस्पिटल एक्वायर्ड। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड का मतलब यही है कि मतलब कोई कैथेटर पास किया हुआ है और वहाँ से इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर आपने हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल वॉल्व्स की रिप्लेसमेंट की है, जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट की है, तो स्टेफ एपिडर्माइडस इन्फेक्शन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज हॉस्पिटल एक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल वेर एज स्टेफ सेप्रोफिटिकस इन्फेक्शन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कम्युनिटी एक्वायर्ड। स्टेफ सेप्रोफिटिकस हम आगे जाकर कवर करेंगे, पहले स्टेफ एपिडर्माइडस कवर कर लें। ये तो एक निमोनिक के दिया हुआ है ताकि आपको याद रहे कि स्टेफ एपिडर्माइडस ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टेज एब्सेस, क्योंकि और उसके अलावा इट हैज प्री डायलेक्शन फॉर ग्रोथ ऑन इम्प्लांटेड फॉरेन बॉडीज। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्प्लांटेड फॉरेन बॉडीज पे ये ग्रो करेगा, सच एज आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्स, शंट, इंट्रावास्कुलर कैथेटर्स, प्रोस्थेटिक अप्लायंस, विच कैन लीड टू बैक्टीरिमिया। वहाँ से बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होगी, और वहाँ से इन्फेक्शन क्यों होती है, क्योंकि इम्प्लांटेड फॉरन सर्फेसिस पे ये बैक्टीरिया अटैच कर सकता है थ्रू बायोफिल्म्स। इट इन पर्सन्स विद स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक इट कैन कॉज सिस्टाइटिस। ठीक है, उसके अलावा एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, लेकिन एंडोकार्डाइटिस ड्रग एडिक्ट्स में कॉज करेगा, और उन पेशेंट्स में कौन कॉज करेगा जिनके हार्ट वॉल्व्स आर्टिफिशियल होंगे। अब बात करते हैं स्टेफ सेप्रोफिटिकस की। बेटा स्टेफ सेप्रोफिटिकस के बारे में भी ना पांच पॉइंट्स लिख लें आप। स्टेफ सेप्रोफिटिकस के आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या हैं, उसके भी आप पांच पॉइंट्स लिख लें। स्टेफ सेप्रोफिटिकस हमारे पास कैटालेस पॉजिटिव है, कोआगुलेस नेगेटिव है, अल्फा हेमोलिटिक है, और ये हमारे पास नोवोबायसिन रेजिस्टेंट है। चार या सॉरी इसके आवाज आ रही है सबको?
यस सर आ रही है। ठीक है, आपने चार चीजें नोट कर लिए, कैटालेस पॉजिटिव है, कोआगुलेस नेगेटिव है, अल्फा हेमोलिटिक है और ये नोवोबायसिन रेजिस्टेंट है। मतलब इसके और स्टेफलोकोकस एपिडर्माइटिस के आइडेंटिफिकेशन फीचर्स काफ़ी हद तक सेम है, बस फर्क यहाँ पे आता है कि जो स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस है वो नोवोबायसिन रेजिस्टेंट है और जो स्टेफलोकोकस एपिडर्माइटिस था वो नोवोबायसिन सेंसिटिव था। ठीक है, अब जो हमारे पास स्टेफ सेप्रोफिटिकस है ना, ये हमारे पास सिर्फ मोस्ट कॉमनली कॉज करेगा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और किन पेशेंट में कॉज करेगा? ये न्यूली सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली यूटीआई कॉज करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हनीमून सिस्टाइटिस, ठीक है, या फिर न्यूली सेक्सुअली एक्टिव मैरिड फीमेल में कौन सा बैक्टीरिया यूटीआई कॉज करेगा, तो इट इज स्टेफ सेप्रोफिटिकस। लेकिन आपने यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो चाहे वो मेल पेशेंट हो, फीमेल पेशेंट हो, सेक्सुअली एक्टिव हो या नहीं, तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज हमेशा इकोलाई होती है। ठीक है, अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूँ कि न्यूली सेक्सुअली एक्टिव मैरिड फीमेल में यूटीआई की मुझे वो बैक्टीरिया बताएं जो कि ग्राम पॉजिटिव को काय है और यूटीआई कॉज करता है, तब आपने इसका नाम लेना सेप्रोफिटिकस। या फिर अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि व्हाट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इन न्यूली सेक्सुअली एक्टिव मैरिड फीमेल, तो उसमें आपने कहना है कि स्टेफ सेप्रोफिटिकस। मतलब कि आपने ये बचा रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई, चाहे वो मेल पेशेंट हो, फीमेल पेशेंट हो, यंग हो, एल्डरली हो, सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई हमेशा इकोलाई होगा। लेकिन अगर आपसे पूछूं एक खास डेमोग्राफिक का कि न्यूली मैरिड फीमेल है उसमें सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई क्या है, वो है स्टेफ सेप्रोफिटिकस। बेटा समझ आई है सबको इस पॉइंट की? यस सर। ठीक है, इट कॉजेस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन इज, अगर आप सिस्टाइटिस को यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो ऊपर एसेंड कर सकती है कैंडिस तक और वहाँ पर जाके पाइलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकती है। मेन आर इन्फेक्टेड मच लेस ऑफन, मोस्टली न्यूली सेक्सुअली एक्टिव मैरिड फीमेल में इन्फेक्शन कॉज करता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आइसोलेटेड कॉन्स दैट इज रेजिस्टेंट टू नोवोबायसिन। अब कॉन्स का मतलब क्या है? कॉन्स का मतलब है कोआगुलेस नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, कोआगुलेस नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई दैट इज रेजिस्टेंट टू नोवोबायसिन, नोवोबायसिन रेजिस्टेंट है। ये हमारे पास नोवोबायसिन सेंसिटिविटी टेस्ट दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये दोनों हमारे पास स्पेल्स हैं नोवोबायसिन के, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्पेल के सराउंडिंग में क्लियर जोन है, यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, सो दिस इज स्टेफ एपिडर्माइटिस। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी है, सो दिस इज स्टेफ सेप्रोफिटिकस। स्टेफ सेप्रोफिटिकस नोवोबायसिन रेजिस्टेंट है और स्टेफ एपिडर्माइटिस नोवोबायसिन सेंसिटिव है। ये एक चार्ट है जो कि हमें इन तीनों बैक्टीरियाज के कुछ डिफरेंसेस के बारे में बता रहा है कि जैसे स्टेफ ओरियस कोआगुलेस पॉजिटिव है, स्टेफ एपिडर्माइटिस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस कोआगुलेस नेगेटिव है। मैनुअल फर्मेंटेशन सिर्फ स्टेफ ओरियस में होगी, बाकी दोनों में नहीं होगी। नोवोबायसिन सेंसिटिविटी की बात करें तो स्टेफ ओरियस और स्टेफ एपिडर्माइटिस नोवोबायसिन सेंसिटिव है और स्टेफ सेप्रोफिटिकस नोवोबायसिन रेजिस्टेंट है। फॉस्फेटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन फीचर्स ऑफ मेजर स्पीशीज ऑफ स्टेफलोकोकस, ये एक और टेबल है जो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उस सबको समराइज करेगा। अब देखिए, टिकोइक एसिड हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का हिस्सा होता है, तो स्टेफ ओरियस में प्रेजेंट होगा, स्टेफ एपिडर्माइटिस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस में प्रेजेंट नहीं होता। किसी को याद है टिकोइक एसिड का फंक्शन क्या होता है? पैथोजेनेसिस की बात करें, मतलब कौन कौन सी डिजीजेस कॉज कर, कैसे डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, तो हमने स्टेफ ओरियस में पढ़ा था कि ये तीन तरह से डिजीजेस कॉज कर सकते हैं,
टॉक्सिन्स के थ्रू डिजीज कॉज कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट ऑर्गन इन्वेजन के थ्रू डिजीज कॉज कर सकते हैं, उसके अलावा पस प्रोड्यूसिंग लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। स्टैफ एपिडर्माइटिस के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करेगा, मतलब पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन कॉज करेगा, और स्टैफ सेप्रोफिटिकस भी पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन ही कॉज करेगा। डिजीजेस हम स्टैफ और इसे पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइटिस हमारे पास कॉज करेगा वहाँ पर इन्फेक्शन जहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल फॉरन इम्प्लांटेड सर्फेस होगी, फॉर एग्जाम्पल उसमें कैथेटर हो सकते हैं, उसमें हमारे पास आर्टिफिशियल हार्ट पल्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट्स हो सकते हैं, उसके अलावा CVP लाइंस हो सकती हैं, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। मतलब स्टैफ एपिडर्माइटिस तभी इन्फेक्शन कॉज करेगा जब कोई आर्टिफिशियल फॉरन इम्प्लांटेड सर्फेस होगी। स्टैफ सेप्रोफिटिकस वी जस्ट डिस्कस, इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ UTI इन न्यूली सेक्सुअली एक्टिव मैरिड फीमेल। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स स्टैफ एपिडर्माइटिस के क्या हैं, मतलब कि आपने अगर कोई फॉरन डिवाइस इम्प्लांट किया तो आपने उसके लिए प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो नहीं किया तो वो स्टैफ एपिडर्माइटिस की इन्फेक्शन के लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं। और स्टैफ सेप्रोफिटिकस की इन्फेक्शन के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, सेक्शुअल एक्टिविटी। उसके अलावा पिगमेंट हम बात कर चुके हैं कि स्टैफ वायरस प्रोड्यूस करता है स्टेफाइलोक्सैंथिन, जिसकी वजह से इसकी कॉलोनीज होंगी हमारे पास गोल्डन येलो कलर की, और स्टैफ एपिडर्माइटिस और स्टैफ सेप्रोफिटिकस कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करते। बीटा हेमोलिसिस स्टैफोजिस में होगी, स्टैफ एपिडर्माइटिस और स्टैफ सेप्रोफिटिकस में बीटा हेमोलिसिस नहीं होगी बल्कि इनमें अल्फा हेमोलिसिस होगी, और प्रोटीन ए भी सिर्फ स्टैफोजिस में ही प्रेजेंट होती है। प्रिवेंशन की बात करें तो बेटा प्रिवेंशन के बेसिकली वही रूल हैं जो जनरली हर चीज़ पे अप्लाई होते हैं कि मतलब आप सफाई का खास ख्याल रखें, ठीक है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करें, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है तो आप उससे आइसोलेट करें, और अगर किसी पेशेंट को नोजोकोमल इन्फेक्शन है तो उसे उसमें आप थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स दें ताकि आप उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। तो मतलब हैंड हाइजीन है, आइसोलेशन है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स हैं जो कि हॉस्पिटल में वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए की जाती हैं। तो इसके लिए भी हम इसकी प्रिवेंशन के लिए भी हम यही चीज़ें फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग बेटा आप अभी ना सब बच्चे एक ही दफा देख लें ताकि बार बार ये मसला ना हो। ये मैं आप मैंने LMS खोल लिया, क्लास हो गई है, बच्चे लीव कर सकते हैं, हमारी दूसरी क्लास है अभी। जी सर क्लास हो गई है हमारी दूसरी क्लास का मेडिसिन की, हम लीव कर सकते हैं। जी आप लीव कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने देखने अपने लेक्चर्स के बारे में वो अभी देख लें। ये आपका कोर्स है Microbiology 2, यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये एक लिंक मैंने क्रिएट किया हुआ है, आपको नजर आ रहा है सबको, Micro 2 सेक्शन बी लेक्चर रिकॉर्डिंग्स। यस सर। जब आप इस लिंक को खोलेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ले आएगा गूगल ड्राइव के फोल्डर में। बेटा अभी नेट स्लो चल रहे हैं, ठीक है, जब आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा गूगल ड्राइव के फोल्डर में ले जाएगा और वहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग सेफ पड़ी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। और आपके जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग वीकली बेसिस पे मैं यहाँ इसी लिंक पे अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अपने लेक्चर चाहिए तो आप इस फोल्डर पर क्लिक करें, इसमें आपके सभी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। मेरी अटेंडेंस नहीं हुई बेटा, वो होनी भी नहीं है, टाइम से आया करें आप। पहले मैंने आधा घंटा लगा के सबकी अटेंडेंस लगाई है, अब मैं किसी की नहीं लगा रहा, और नेक्स्ट टाइम मैंने पहले 10 मिनट में अटेंडेंस ले ली नहीं करनी है, जो लोग प्रेजेंट होंगे उनकी लग जाएगी, बाकी लोग एब्सेंट रहेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि क्लास पार्टिसिपेशन के आपके सेशंस में मोस्ट लाइकली 10% वेटेज होगी, तो क्लास टाइम से आया करें।
अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा टाइम खत्म हो चुका है, क्लास एंड करते हैं फिर। बेटा आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है सबको, जी सर। ये मैंने इसी पे क्लिक किया था, इस लिंक पे, और वहां से ये फोल्डर खोल रहा है। ये आपका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़े हुए हैं। जी बेटा कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।